करीब 100 साल पहले ह्यूमैनिटी को एक नया दुश्मन मिला जिन्हें टाइटंस कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। इन टाइटंस का फूड है इंसान, और इन टाइटंस ने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी। सबसे बाहर की वॉल का नाम वॉल मारिया है, बीच की दीवार का नाम रोज, और सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल सीना है। और जो भी इंसान बच गए थे वो सभी लोग इन्हीं दीवारों के अंदर रहते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि एक पेड़ की छांव में सो रहा होता है और एक बहुत ही डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। एरन अपने होम टाउन शिगांशिना में रहता है। शिगांशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, जो कि लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरी हुई है। इस वॉल को बनाया गया है टाइटंस से बचने के लिए। अपनी आंखें खोलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है, जो कि एरन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है। एक हादसे में उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद वो एरन के परिवार के साथ ही रहती है। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, और चलते चलते मिस्टर हैनिस, जो कि एक सोल्जर होता है, ये बंदा मिकासा और एरन का काफी अच्छा फ्रेंड भी होता है। एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हैनिस से शराब की बदबू आ रही है, और वो चिल्लाते हुए उसे कहता है, अब फिर से शराब पी रहे हो ड्यूटी पे? मिस्टर हैनिस उसे कहता है, हमें दीवार पर नजर रखनी होती है बच्चे, और यहाँ पूरा दिन रहकर हमें भूख प्यास तो लगनी ही है, तो दारू पी के ही मस्त एकदम सही हो जाता है काम हमारा। तो ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है, एक बात बताओ, अगर टाइटंस अभी आ गए अंदर तो क्या आप इस हालत में लड़ोगे उनसे? और तभी एक दूसरा सोल्जर उठकर एरन के पास आता है और उसे कहता है, देख लेंगे हम सबको, वैसे भी पिछले 100 सालों से कोई आया तो है नहीं अभी तक, वो टाइटंस हमारी इस दीवारों को सिर्फ आज तक खरोंच ही पाए हैं बस। अब एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और तभी एक बेल बजती है जिसका मतलब होता है कि सर्वे कॉप्स वापस आ चुके हैं। सर्वे कॉप्स वो होते हैं जो कि टाइटंस से फाइट करने वॉल से बाहर जाते हैं। एरन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो मिकासा से कहता है, जल्दी चलो वो आने वाले हैं सब लोग। पर इस तरफ हम देखते हैं कि उन सबके मुंह लटके होते हैं। एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराकर देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। तब लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो बहुत सारे गए थे ना, इतने कम कैसे आए वापस, शायद बाकी के लोग खा लिए होंगे, यही तो होता है बाहर जाने का नतीजा। और फिर उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर के पास आकर बोलती है, मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर वो सोल्जर एक दूसरे सोल्जर से कहता है, सोल्जर इन्हें वो दे दो। और वो सोल्जर उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है, और उसे खोलने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ होता है। वो सैनिकों से बताता है कि सिर्फ यही बचा है तुम्हारे बेटे का। और वह सभी सोल्जर्स वहां से जाने लगते हैं। मिकासा एरन से पूछती है, तुम्हें अभी कॉप्स में भर्ती होना है? लेकिन एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब एरन घर आ जाता है, और एरन की मामू से कहती है, अरे वाह, आज से बहुत सारी लकड़ियां लेकर आए हो तुम। एरन के डैड कहीं बाहर जा रहे होते हैं। मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन सर्वे कॉप्स को ज्वाइन करना चाहता है, और ये सुनकर एरन की मॉम एरन से कहती है, ये सब क्या है, छोड़ दो ये सपना, एक दिन इसी जिद की वजह से तुम मर जाओगे। एरन के डैड एरन से पूछते हैं, बच्चे तुम्हें क्यों बाहर जाना है? एरन उसे बताता है, डैड मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया में क्या है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के अंदर कैद होकर नहीं बिताना चाहता। अब उसके डैड वहां से जाने लगे, और जाने से पहले वो एरन को बोलते हैं कि मैं लौटने पर तुम्हें अपने बेसमेंट का एक राज बताऊंगा। एरन अपनी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो अपने मॉम से लड़कर वहां से भाग जाता है। उसकी मॉम मिकासा से कहती है, जरा ख्याल रखना इसका, नादान है ये बालक थोड़ा भी। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन के एक दोस्त को कुछ लोग पीट रहे होते हैं, और अपने दोस्त को बचाने के लिए एरन वहां पर पहुंच जाता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, आजा आजा बेटे तू भी आजा, और तभी उसके पीछे मिकासा को देखकर वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। और एरन को लगता है कि उसे देखकर वो लोग वहां से भागे थे, मतलब कितना ही नादान है ये लड़का। दरअसल इस लड़के का नाम आर्मिन होता है, जो कि एरन का बेस्ट फ्रेंड है। एरन आर्मिन से पूछता है कि वो लोग क्यों तुम्हें मार रहे थे, और तुम्हें पता है मिकासा ने सबको बता दिया घर पे कि मुझे सर्वे कॉप्स में भर्ती होना है। एरन आर्मिन से बात कर रहा होता है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है वहां पर। सभी लोग दीवार के पास पहुंचते हैं, और एरन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को उस दीवार के ऊपर बहुत बड़ा सा हाथ दिख रहा था। और आर्मिन कहता है, ये नामुमकिन है, ये दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। और तभी हमें एक बहुत बड़ा सा टाइटन दिखाई देता है। इस टाइटन का नाम कोलोसल टाइटन है, जो कि 60 मीटर का होता है, और ये जो दीवार होती है वो 50 मीटर की होती है, और वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार के एक कोने को तोड़ देता है। और उस दीवार के टूटने से सभी के सभी टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, और फिर एरन भागकर अपनी मॉम के पास जाने लगता है। मिकासा भी उसके साथ होती है, और अपने घर जाकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसकी मॉम घर के नीचे दबी हुई है। वो दोनों उस घर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी मॉम को बाहर निकाल सके, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। और तभी एक टाइटन वहां पर आने लगती है। ये देखकर एरन की मॉम उससे कहती है, टाइटन आ रहे हैं, यहां से जल्दी निकलो एरन। पर एरन अपनी मॉम से कहता है, मैं आपको बिना लिए यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है, मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं यहां से बाहर आ भी गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। एरन उसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर भागूंगा। और फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाकर कहती है, तुम कभी मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, अगर इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। और तभी हैनिस वहाँ पर आ जाता है, और एरन की मामू से कहती है, हैनिस शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से एरन और मिकासा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये सुनकर हैनिस कहता है, कार्ला मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं उस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचाऊंगा। और हैनिस उस टाइटन को मारने के लिए उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस टाइटन के सामने जाते ही हैनिस फ्रीज हो जाता है। उस टाइटन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर हैनिस कांपने लग जाता है, और वह वापस आकर एरन और मिकासा को लेकर वहां से भागने लगता है। और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। एरन चिल्लाकर कहता रहता है, क्या कर रहे हो तुम, मॉम है वहां पर, मुझे छोड़ो। एरन आखिरी बार अपनी मॉम को
देखता है और रोते हुए अंदर ही अंदर उसकी मॉम कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और तभी वो टाइटन वहाँ पर आती है और उसकी मॉम के दो टुकड़े कर एरन की आंखों के सामने ही उसे खा जाती है। ये देखकर एरन पूरी तरह से टूट जाता है। टाइटन से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो सभी के सभी लोग टाइटन्स का खाना बन रहे होते हैं। उन टाइटन्स के लिए जैसे ये सभी के सभी इंसान कोई खिलौना होते हैं। हैनेस एरन और मिकासा को लेकर वहां से भाग रहा होता है और एरन हैनेस को मारते हुए कहता है, हम मॉम को बचाने ही वाले थे। और फिर हैनेस एरन को नीचे फेंकते हुए कहता है, खुद को संभालो, तुम अपनी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो, और मैं उस टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं एक कायर हूं। हैनेस एरन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। दूसरी तरफ हम एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अंदरूनी गेट के अंदर चलो, वहां बहुत सारी बोट्स खड़ी है, जल्दी करो वरना सब के सब मारे जाओगे। दरअसल ये जो डिस्ट्रिक्ट थी जहां एरन रहता है, ये एक तरह से बेट का काम करता है। ये डिस्ट्रिक्ट उन तीनों वॉल से बाहर होती है, टाइटन्स के लिए चारे की तरह होती है ताकि जो अंदर के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। आर्मिन एरन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है, पर एरन का चेहरा देखकर आर्मिन घबरा जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास होता है। और फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों को तोपे तैयार करने के लिए बोलता है उन टाइटन्स को मारने के लिए, और उस बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होने लगती है। कुछ लोग उस बोट में जाने के लिए छलांग तक लगा देते हैं और सभी बोट्स चलने लगती हैं और वो सैनिक वॉल मारिया का गेट भी बंद करने लगते हैं। हैनेस एक सोल्जर को कहता है, इस गेट को अभी मत बंद करो, अभी भी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। पर वो सोल्जर हैनेस से कहता है कि अगर वो टाइटन्स इस गेट के अंदर आ गए तो अंदर भी एक दूसरा कब्रिस्तान बन जाएगा। और तभी दो सैनिक भागते हुए वहां पर आते हैं और कहते हैं, जल्दी से गेट बंद कर दो, बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं। और वो सोल्जर गेट को बंद करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां एक बहुत ही अलग सा टाइटन आ जाता है और ये था आर्मर्ड टाइटन। उस टाइटन को देखकर सभी के सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और फिर वो टाइटन दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है उसे तोड़ने के लिए। वो सभी सोल्जर्स उस पर तोप से हमला करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उन तोप के गोलों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो टाइटन उस गेट को एक जोरदार टक्कर मारकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ वॉल रोज के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हाई अथॉरिटी सीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, पिछले 100 सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब ये टाइटन्स कैसे अंदर आने लग गए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सच तो यही है, अभी तक 500 लोग अंदर की वॉल्स में आ चुके हैं। और तभी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि वो लोग वॉल मारिया को भी तोड़ चुके हैं और वो टाइटन्स बहुत तेजी से अंदर घुस रहे हैं। इसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, मैं एक भी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, उन सबको मार दूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से लगभग 10,000 लोग उन टाइटन्स का खाना बन गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं, एरन और मिकासा भी वहां पर होते हैं, पर हम देखते हैं कि एरन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उन दोनों से कहता है, मैं वापस वॉल मारिया में जाऊंगा और रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को काट डालूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस ब्रेड को आर्मिन की तरफ फेंक देता है। आर्मिन उसे कहता है, तुम भूख से मर जाओगे यार, क्या कर रहे हो ये। और एरन कहता है, कब तक दूसरों से मांग कर खाते रहोगे, तुम एक नंबर के कायर हो। ये सुनकर मिकासा एक जोरदार मुक्का मारती है एरन के मुंह पर और कहती है, हम भी उस टाइटन के सामने कुछ नहीं कर पाए थे। और मिकासा एरन के मुंह में उस ब्रेड को ठूस देती है, खाओ इसे तुम्हें जिंदा रहना होगा। बहुत सारे रेफ्यूजीज को खेती के लिए लगाया गया, सोल्जर्स के साथ साथ सरकार ने कई सारे रेफ्यूजीज को भी ऐड कर लिया उन टाइटन्स से लड़ने के लिए। इसमें लगभग 3,00,000 लोग शामिल थे जो कि पूरी बची हुई आबादी के 30% लोग थे। पर जब उन्हें उन टाइटन से लड़ने के लिए भेजा गया तो उनमें से कुछ 100 लोग ही बच पाए। मरने वाले सभी लोगों में से आर्मिन के दादाजी भी होते हैं जो कि मारे गए। और अब 1 साल बाद ट्रेनिंग कॉप्स की भर्ती शुरू हो जाती है और एक सोल्जर सभी से कहता है, तुम सबके लिए एक बुरी खबर है, मैं कीथ शार्दिस आज से तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझसे कोई स्वागत वगैरह की उम्मीद मत रखना। तुम लोग अभी के लिए तुम सब लोग टाइटन्स के लिए एक चारा हो बस, जिसे टाइटन्स मजे से चबा कर खाएंगे। अगले 3 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और तब पता चलेगा कि क्या तुम उन टाइटन्स का चारा बनोगे या बहादुरी से उनका सामना कर उन्हें मार गिराओगे। और एरन मन ही मन कहता है, मैं सबको मार दूंगा, इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं किसी भी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा। वो सोल्जर आर्मिन से पूछता है, ओए तुम कौन हो। आर्मिन उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है, सर मेरा नाम आर्मिन है और मैं शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर उसे कहता है, हैं ये कैसा नाम है भाई, क्या ये नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा है। आर्मिन कहता है, नहीं ये मेरे दादाजी ने रखा था, क्या कर रहे हो यहाँ पे ये बताओ मुझे। आर्मिन कहता है, उन सभी टाइटन्स को खत्म करने सर। और ये सुनकर वो सोल्जर उसे कहता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, उन टाइटन्स के लिए बढ़िया खाना रहोगे तुम। और ऐसे ही वो सोल्जर उन सभी लोगों से उनका इंट्रोडक्शन लेने लगता है और एक सोल्जर नोटिस करता है कि वो इंस्ट्रक्टर एक लड़की से बिना कुछ पूछे ही वहाँ से चला गया। वो अपने साथ खड़े उस सोल्जर से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ और वो सोल्जर उसे बताता है कि ये लोग ये टेस्ट पहले ही दे चुके हैं, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले नर्क देख ली है, उनके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। अब वो सैनिक एक दूसरे लड़के से पूछता है, हाँ भी कौन तुम, यहाँ क्यों आए। और वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं जिन क्रिस्टीन हूँ सर, प्रोस डिस्ट्रिक्ट से। और वो सोल्जर अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार देता है जिससे वो दर्द के मारे जमीन में गिर जाता है और उसे कहता है, बस इतने में निकल गई तुम्हारी हवा, तू होगा मिलिट्री ब्रिगेड में भर्ती है। अब एक दूसरे लड़के से पूछता है, हाँ भाई तू कौन है। वो लड़का उसे कहता है, मैं मार्को हूँ सर, वॉल रोज के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से। उस सोल्जर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो सोल्जर उस लड़की के पास जाता है और उससे चिल्लाकर उसे कहता है, ओए तू कौन है। वो लड़की उसे बताती है, मैं शाशा हूँ सर। अच्छा तो ये तुम्हारे
तुम्हारे राइट हैंड में क्या है? वो लड़की बोलती है, एक उबला आलू सर। और अब वो लड़की उस आलू का एक छोटा सा टुकड़ा उस सोल्जर को देते हुए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है और फिर एरन और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये तो वही है ना आलू वाली, ये भी भाग रही है, अब तो 5 घंटे हो चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़का एरन से पूछता है, अरे हाँ मुझे याद आया, तुमसे तो उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। एरन उसे कहता है, मैं और आर्मिन शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये सुनकर कोनी हैरान होकर कहता है, ओ अच्छा, इसलिए तुमसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि उस दिन तुम वहाँ पे थे। और अब डिनर के टाइम वो सभी लोग एरन से उस दिन के बारे में पूछने लगते हैं जिस दिन टाइटन्स ने उन सभी पर हमला किया था। क्या वो कोलोसल टाइटन दीवार तोड़कर आया था अंदर? और उस वॉल मारिया को तोड़ने वाले आर्मर टाइटन का क्या हुआ? वो टाइटन्स इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं है, बस एक बार हम वो ओडीएम केयर यूज करना सीख जाएं फिर वो नहीं बचेंगे। मैं सर्वे कॉप्स में भर्ती होकर दुनिया से उन टाइटन्स का खात्मा कर दूंगा। बाहर हम शाशा को देखते हैं, वही आलू वाली लड़की जो कि 6 घंटे से लगातार दौड़कर बुरी तरह से थक जाती है। और फिर शाशा वहीं पर सो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें वो सोल्जर उन सभी पार्टिसिपेंट से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बेटा तुम लोग ये नहीं कर पाए ना तो तुम चारा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो टाइटन्स का। वो सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो बड़ा ऑफिसर अपने एक सैनिक से कहता है, ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इसी से 3D ओडीएम गियर चलाने का असली एक्सपीरियंस मिलता है। ये देखो वो लड़की कितना परफेक्ट कर रही है, इस साल तो काफी टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पे। एरन उस ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाता और उल्टा लटक जाता है। वो सैनिक एरन को बहुत ज्यादा डांटता है, ओ ठीक से कर ले भाई, खुद को ऊपर उठा, क्या कर रही है। लेकिन एरन से ये नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एरन मिकासा और आर्मिन को छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आर्मिन और मिकासा एरन को दिलासा देते हैं, रिलैक्स होकर करो यार, हो जाएगा। अब एरन दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार वो मुंह के बल गिर जाता है। अब डिनर के वक्त सभी लोग एरन का मजाक उड़ाने लगते हैं, हाँ भी क्या हो गया, कल तो बहुत बोल रहा था सभी टाइटन्स को मार दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे से ओडीएम गेट तो चला नहीं आज है, मैं लगता है अब इसे भी ना खेती के लिए लगा देंगे। एरन जीन और कोनी से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम लोग कैसे बैलेंस करते हो उसे, प्लीज मुझे सिखाओ यार। लेकिन वो दोनों भाव खाने लगते हैं और एरन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एरन मदद के लिए राइनर और ब्रेथहोल्ड के पास पहुंचता है और वो लोग अपने कैंप से दूर कई बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं जहां एक छोटी सी झील होती है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगले दिन हम देखते हैं एरन खुद से कहता है, हां ये कर सकता हूं, और वो सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और फिर एरन की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उसे धीरे धीरे उठाया जाता है और आखिरकार एरन बैलेंस बना लेता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही, और फिर से वो नीचे गिर जाता है। अब एरन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन वो सोल्जर एक दूसरे लड़की से कहता है, ओए इस एरन को ना अपनी बेल्ट दो यार। और फिर एरन उसकी बेल्ट पहनकर ट्राई करता है जिसमें वो बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। फिर वो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है, लगता है तुम्हारे इक्विपमेंट में ही डिफेक्ट था, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए, पर उसने उस डिफेक्टिव पीस से भी बैलेंस बना लिया था भाई। और आखिरकार एरन पास हो जाता है। ये देखकर वो सोल्जर मन ही मन कहता है, गिरशा आज तुम्हारा बेटा एक सैनिक बन चुका है। गिरशा एरन के फादर का नाम होता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और सभी लोग एक रेनी फॉरेस्ट से होते हुए वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन आर्मिन काफी धीरे चल रहा होता है। ये देखकर वो सोल्जर उसे कहता है, ओए जल्दी चलो थोड़ा, अभी तो टेस्ट है बेटा, असली में भी ऐसे करोगे तुम, टाइटन से निकल लिया होता तो मैं अभी तक। वो बैग इतना भारी होता है कि आर्मिन उसका वजन सहन नहीं कर पा रहा होता। तभी राइनर आकर आर्मिन से उसका बैग ले लेता है और उसे कहता है, ऐसे तो तुम्हें ये बाहर कर देंगे, आज की ट्रेनिंग ग्रेड में जुड़ने वाली है। आर्मिन उसे कहता है, अच्छा पर अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे यार। राइनर कहता है, किसी को पता मत चलने देना, लेकिन उस सोल्जर को ये पता चल जाता है। और फिर आर्मिन अपने मन में सोचता है, मैं कितना यूजलेस हूँ यार, मैं इस पर एक बोझ बन रहा हूँ। और अब आर्मिन राइनर से अपना बैग वापस लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं जो कि टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके साथ साथ मिकासा और कुछ बाकी लोग भी होते हैं वहाँ पर। इसके बाद उन लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस दी जाती है। वो टाइटन्स तो इतने बड़े हैं तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का क्या मतलब है? ये सुनकर राइनर कहता है, चाहे सामने कोई भी दुश्मन हो, हमें हर तरह के ओपोनेंट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर राइनर एरन को उसके पास लेकर जाता है और एनी एरन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लग जाती है जिसमें वो एरन को काफी आसानी से हरा देती है। फिर एनी राइनर से कहती है, हां भी चलो अब तुम्हारी बारी है। राइनर कहता है, नहीं 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 मैं नहीं कर रहा भाई। और एनी उसे भी जमीन पर पटक देती है। अब कुछ दिनों बाद वो सभी के सभी ट्रेनीज ग्रेजुएट हो जाते हैं और एक सीनियर ऑफिसर उन सभी से कहता है, आज से तुम सभी ग्रेजुएट्स के पास 3 ऑप्शंस हैं। अब जिस भी आदमी को सोल्जर बनना होता है उसे 3 सालों तक मिलिट्री ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है और 3 सालों बाद इन्हें एक डिसीजन लेना होता है कि इन्हें कौन सी मिलिट्री ब्रांच को ज्वाइन करना है। यहाँ पर 3 ब्रांचेस है। पहली है द रॉयल गार्ड जिनका काम है राजा को प्रोटेक्ट करना, दूसरी है गैरिसन रेजिमेंट जिनका काम है वॉल्स के अंदर शांति बनाए रखना और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना, तीसरी है स्काउट्स रेजिमेंट जिसमें सबसे काबिल और बहादुर सोल्जर्स होते हैं और इनका काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स पर अटैक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ये वाला रेजिमेंट टाइटन से सीधा टक्कर लेता है इसीलिए सबसे ज्यादा मौतें भी इसी रेजिमेंट में होती है। हालांकि ये तीसरा ऑप्शन सिर्फ टॉप 10 के ट्रेनीज ही चूज कर सकते हैं। उन सभी के लिए एक फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक लड़का एरन से पूछता है, क्या तुम सच में सर्वे कॉप्स में जाना चाहते हो? फिर एरन उसे कहता है, हाँ मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सर्वे कॉप्स में जाकर उन टाइटन्स का खात्मा करूंगा, मैंने इतनी ट्रेनिंग उस अंदर वाली वॉल में रहने के लिए नहीं की थी। वो लड़का उसे कहता है, तुम बेवकूफ एक नंबर के, इंसानियत टाइटन से कभी नहीं जीत पाएगी। और फिर सभी एरन की ओर देखने लगते हैं। एरन कहता है, माना कि हम इंसान उन टाइटन से कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपनी हर हार से हम उन टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम लोग उन थाउजेंड्स ऑफ डेथ जो हुई है पिछले 5-6 सालों में उन सभी को वेस्ट करना चाहते हो और
और चुपचाप इंतजार करते रहोगे कब वो टाइटंस अंदर वाली वॉल में आए और हम सबको खा जाएं। और ये सब बोलकर एरन वहां से चला जाता है। अगले दिन सर्वे कॉप्स की मेन फोर्स दीवारों के बाहर जाने लगती है। एरन और उसके दोस्त भी उनको देख रहे होते हैं। तभी हैनेस वहां पर आकर उसे कहता है, अरे एरन, सुना है तुम ग्रेजुएट हो गए हो? एरन कहता है, यस सर, और आप भी तो कैप्टन बन चुके हो। हैनेस एरन को शाबाशी देता है और हैनेस उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे आज भी दुख है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाया। एरन उसे कहता है, जो भी हुआ उसमें आपका कसूर नहीं था, हालात ही कुछ ऐसे थे। और ये बोलकर एरन वहां से चला जाता है। पर हैनेस को एरन को बड़ा होता हुआ देखकर काफी खुशी होती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एरन के उस लेक्चर की वजह से जो उसने कल दिया था उससे काफी सारे लोगों को इफेक्ट हुआ है और उन्होंने भी सर्वे कॉप्स में जाने का डिसीजन लिया है। और वो सब लोग कहते हैं, एरन हम भी तुम्हारे साथ हैं, अंदर वॉल्स में रहकर कुछ नहीं होने वाला, हमें बाहर जाकर उन सभी को खत्म करना होगा। और एरन अपने मन में कहता है, हम जीत सकते हैं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। और तभी एक बिजली सी कड़कती है और एरन के पीछे कोलोसल टाइटन खड़ा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस कोलोसल टाइटन के शरीर से भाफ निकल रही होती है जिसके प्रेशर से वो सभी के सभी लोग दीवार से नीचे गिरने लग जाते हैं। पर सभी लोग बच जाते हैं लेकिन उनमें से एक बेहोश हो जाता है और वो खुद को नहीं संभाल पाता, लेकिन शाशा उसे बचा लेती है। और तभी एरन की नजर गेट पर जाती है जो कि टूटा होता है और वो सोचता है, अब फिर से टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। और तभी एरन को वही सीन याद आता है जब उसकी मॉम को उस टाइटन ने उसकी आंखों के सामने खा लिया था, जिससे एरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उस कोलोसल टाइटन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमारा दुश्मन ठीक सामने है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और एरन ठीक उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है उस कोलोसल टाइटन के पास। अब वो कोलोसल टाइटन अपने हाथ से एरन पर हमला करता है लेकिन एरन उसके इस हमले से बच जाता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उस कोलोसल टाइटन का असली टारगेट मैं नहीं, वो कैनन से जो उस पर हमला कर रहे थे बार बार। वो कोलोसल टाइटन एरन पर दोबारा से हमला करने लगता है लेकिन एरन उससे बचते हुए उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है और अपने मन में कहता है, सिर्फ यही है जो वो गेट तोड़ सकता था, ये इसी का काम है, ये अच्छा मौका है, इसे अभी मार देता हूँ। और एरन उसके गले पर अटैक करने लगता है लेकिन कोलोसल टाइटन अपने अंदर से भाव छोड़ देता है जिससे एरन पीछे की ओर जाने लगता है। एरन उस पर दोबारा से हमला करने के लिए बढ़ता है पर वो देखता है कि कोलोसल टाइटन वहां से गायब हो चुका है। और तभी थॉमस एरन से कहता है, कहां चला गया वो टाइटन, मुझे नहीं दिख रहा यार। एरन को रियलाइज होता है कि वो वहां से गायब हो चुका है जैसा कि ठीक 5 साल पहले हुआ था। फिर कोनी एरन से कहता है, दीवार टूट चुकी है, वो टाइटन्स किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। और तभी एक सोल्जर वहां आकर उससे कहता है, यहां पर क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो, ऑपरेशन कोलोसल टाइटन शुरू हो चुका है। तभी सैनिक शहरवासियों को वहां से निकालने लगते हैं और बाकी सैनिक उन तोपों के साथ उन टाइटन से लड़ने लगते हैं। उन्हें उन टाइटन्स को यहीं पर रोकना होगा वरना वो अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन अपने 3D मूवमेंट गियर के अंदर उसके सिलेंडर में गैस भर रहा होता है लेकिन एंग्जायटी के कारण वो कांपने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, हमारे पास एक 8 मीटर के छेद को सील करने का कोई भी तरीका नहीं है, वो सभी टाइटन्स अंदर आ जाएंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम उन टाइटन से नहीं जीत सकते। एरन उसे शांत करने की कोशिश करता है, चुप करो तुम, हम जीत जाएंगे यार, हिम्मत मत हारो। इसके बाद हम देखते हैं उस कंट्री के राजा को जो कि अपने कमांडर के साथ चेस खेल रहा होता है। और फिर एक सैनिक भागते हुए उन दोनों के पास जाता है और कहता है, सर मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो टाइटन्स दोबारा से हमला कर चुके हैं हम पर और गेट टूट चुका है। ये सुनकर वो राजा डर जाता है और वो कमांडर एक वाइन की बोतल लेकर वहां से जाने लगता है। वो राजा घबराते हुए उस कमांडर से कहता है, अबे ओ कहां जा रहा है, तूने सुना नहीं अभी टाइटन्स आ चुके हैं अंदर, जल्दी से मेरे महल के सामने ना अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर दे। लेकिन वो कमांडर उसे कहता है, राजा जी रोज डिस्ट्रिक्ट के कितने सारे सैनिक लोगों की जानों को बचाने में लगे हुए हैं, मुझे जाना होगा उनकी मदद के लिए। वो राजा उसे कहता है, अरे फालतू के लोग हैं वो, मरने दो उन्हें, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वो कमांडर उस राजा की बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर उन सभी ग्रेजुएट हुए ट्रेनीज को बोलता है, तुम सब जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड में जाओ और तुम सबका काम होगा उन टाइटन्स को रोक कर रखना जब तक कि इस पूरे शहर को खाली ना कर दिया जाए। और वो सोल्जर उन्हें बताता है, तुम सभी लोग मिडिल गार्ड सेक्शन को संभालोगे और गैलिसन की एलीट स्क्वाड रियर गार्ड सेक्शन को संभालेगी, जो कोई भी जंग के मैदान से भागने की कोशिश करेगा उसे तो बेटा मैं पर्सनली आकर मारूंगा उसे बाद में। और फिर सभी लोग अपनी अपनी स्क्वाड के साथ वहां से चले जाते हैं। और तभी मिकासा एरन के पास आकर उसे बोलती है, एरन जो मर्जी हो जाए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और तभी एक सोल्जर वहां आकर मिकासा से कहता है, मिकासा तुम्हें स्पेशल रियर गार्ड पर अभी इसी वक्त रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। और मिकासा वहां ना जाने के बहाने बनाने लगती है क्योंकि एरन मिडिल सेक्शन गार्ड में होता है और वो एरन को बचाने के लिए उसके साथ ही रहना चाहती थी। पर एरन उसे कहता है, मिकासा तुम मेरी चिंता मत करो, अभी इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, तुम्हें जाना होगा वहां पर। पर जाते हुए वो उसे एक रिक्वेस्ट करती है, एरन प्लीज मरना मत। अब एरन अपनी स्क्वाड के साथ इकट्ठा होता है और अपने एक शुरुआती दिनों की बात याद करने लगता है जिसमें उसके टीचर ने उन टाइटन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये टाइटन्स आए कहां से हैं, उनके अंदर समझदारी की कोई भी निशानी नहीं देखी गई अभी तक, इसीलिए उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और उनके कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, इसीलिए उनके पैदा होने के तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया अभी तक। और वो इंसानों के अलावा किसी भी और चीज को खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट को काट दिया जाए तो वो वापस से रीजनरेट होते हैं। पर उनको मारने का एक तरीका है जो कि है उनके गले पर एक जोरदार हमला करना जिससे वो बिना रीजनरेट हुए मर जाएंगे, इसीलिए उनकी गर्दन को काटने के लिए इन ब्लेड्स को यूज किया जाता है। एरन को ये सभी बातें याद आती हैं उसके टीचर की और तभी एक सोल्जर उन्हें आवाज लगाता है, 24th स्क्वाड आगे बढ़ो। और फिर वो सभी लोग बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और वो देखते हैं
हैं कि काफी सारे टाइटंस अंदर आ चुके हैं दीवार की। थॉमस कहता है, ये क्या लगता है उन वैनगार्ड सेक्शन वाले सोल्जर्स ने कुछ भी नहीं किया? कितने सारे टाइटंस आ चुके हैं अंदर, क्या कर रहे हैं ये लोग? और तभी अचानक से एक टाइटन उछलकर उनकी तरफ बढ़ता है। सभी लोग जैसे तैसे करके उस टाइटन से बच जाते हैं सिवाय थॉमस के, और वो टाइटन उन सबके सामने थॉमस को खा जाता है। ये देखकर एरन को बहुत ही गुस्सा आता है और सीधा उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही एक टाइटन अचानक से वहां आकर उसके पैर को खा जाता है, जिससे एरन एक घर के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। सभी टीम मेंबर्स एरन की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वो टाइटन्स बाकी सभी टीम मेंबर्स को भी पकड़ लेते हैं। आर्मिन वहां खड़ा होता है और वो उन सभी को देख रहा होता है और उसकी आंखों के सामने उसके सभी टीम मेंबर्स को वो टाइटन्स खाने लगते हैं। आर्मिन ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और तभी एक टाइटन आकर आर्मिन को पकड़ लेता है। आर्मिन कुछ नहीं कर पाता और वो टाइटन उसे खा लेता है। लेकिन तभी एरन उस टाइटन के मुंह में घुसकर आर्मिन को बचा लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टाइटन के मुंह से आर्मिन को फेंक देता है बाहर। फिर एरन कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। आर्मिन, तुम्हें याद है ना, तुमने ही मुझे बाहरी दुनिया के बारे में बताया था कि इन दीवारों के पार एक और दुनिया है। मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहता हूँ। आर्मिन घबराते हुए एरन से कहता है, एरन जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। पर तभी वो टाइटन एरन को खा लेता है और ये देखकर आर्मिन बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो आवाज मिकासा को भी सुनाई देती है। अब कोनी आर्मिन के पास आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। आर्मिन एरन को मरता हुआ देखकर सदमे में होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर जैसे तैसे कोनी उसे शांत करके उसे पूछता है, आर्मिन तुम्हारी स्क्वाड कहाँ पर है? लेकिन आर्मिन की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर यामिर वहाँ पर आ जाती है और कहती है, सभी मर गए होंगे। कोनी गुस्से से यामिर को कहता है, तुम चुप करो, आर्मिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तक, ठीक है? तो तुम अपनी बकवास बंद रखो, शायद इसकी किस्मत अच्छी रही होगी ये नल्ला बच गया। कोनी को उसका एटीट्यूड देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी क्रिस्टा वहाँ पर आ जाती है और वह सिचुएशन को संभालती है कि तुम लोग ऐसे मत लड़ो, अभी लड़ने का समय नहीं है। और अब आर्मिन जैसे तैसे करके उठ जाता है और रियर गार्ड सेक्शन के पास जाने लगता है। और रास्ते में जाते हुए वो अपने मन में कहता है, ये कैसी दुनिया में रहता हूँ मैं, ये नर्क है। इस दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं, यही इस दुनिया की रियलिटी है। मैं भी मिकासा और एरन की तरह ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन उनके लिए तो मैं बस एक बोझ हूँ, उन्हें हर बार मुझे बचाना पड़ता है। और आज भी मेरी वजह से एरन मारा गया। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसका ध्यान हटता है और आर्मिन एक दीवार के साथ जाकर टकरा जाता है और नीचे गिरकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही अमीर आदमी अपने 2-3 बॉडीगार्ड को साथ लेकर गेट का रास्ता रोक लेता है। उसका सामान इतना ज्यादा होता है कि वो उस गेट के पार जा ही नहीं पाता है और बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर वो सभी लोग उसे गालियां दे रहे होते हैं और वो अमीर आदमी कहता है, इसमें जो सामान है ना, वो तुम्हारी जिंदगियों से भी बहुत ज्यादा कीमती है। भीड़ में से एक बंदा एक सोल्जर को आगे करते हुए बोलता है, और निकम्मे जाए ने रोक, सोल्जर है ना तू। लेकिन हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी उस अमीर आदमी से डरा होता है क्योंकि वो एक कंपनी का बॉस होता है। वो अमीर आदमी उस सोल्जर से कहता है, अच्छा बेटा मुझे रोकेगा तू? जो तो खाना खाता है ना, वो मैं ही दिलाता हूँ तुझे। और तभी धरती कांपने लग जाती है और एक टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लगता है बहुत ही तेजी से, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी के सभी लोग डर जाते हैं और वहां हंगामा मच जाता है। वो सभी लोग उस गेट के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स आकर उस टाइटन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टाइटन बहुत ही ज्यादा तेज होता है। उनमें से एक सोल्जर कहता है, ये एबनॉर्मल टाइटन है, बस भागता जा रहा है पागलों की तरह। और तभी मिकासा वहां पर आ जाती है और वो काफी तेजी से आगे जाकर उस टाइटन को मार देती है। और उसको मारने के बाद उसकी नजर उस गेट पे पड़ती है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और वो अमीर आदमी उससे कहता है, मिकासा तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, इन सभी लोगों को मेरी मदद करने के लिए बोलो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। ये सुनकर मिकासा कहती है, यहां मेरे साथी मर रहे हैं क्योंकि शहर खाली करने में देर हो रही है। वो बंदा बोलता है, अरे आखिर उनको मरना ही है, उनकी यही तो ड्यूटी है सिटीजंस की हिफाजत करना। उस बंदे की इस बात से मिकासा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मेरी ड्यूटी है सिटीजंस की रक्षा करना। ये सुनकर वो अमीर बंदा कहता है, ये कैसे बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हारे बॉस का भी बॉस हूँ, मैं उसे कहकर तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा दूंगा। पर तभी मिकासा उसके 2 आदमियों को मारकर अपनी तलवार उस आदमी के गर्दन पर रख देती है। वो बंदा डर जाता है, उस सामान को हटवा देता है और वो सभी लोग गेट से अंदर जाने लगते हैं। अब मिकासा वहां से चली जाती है और मिकासा की टीम का कैप्टन उसे कहता है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया मिकासा। और अब हमें मिकासा की लाइफ स्टोरी को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने परिवार के साथ बैठी होती है। मिकासा अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी बच्चे कैसे होते हैं? ये सुनकर उसकी मम्मी उसे कहती है, मुझे नहीं पता बेटे, अपने पापा से पूछ लो। उसके पापा से कहते हैं, बेटा मुझे भी नहीं पता, क्यों ना तुम अपने अंकल जेगर से पूछ लो, वो आज आने वाले हैं। और तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर जेगर आ चुके हैं। और घर के बाहर हम एरन और उसके पापा को देखते हैं। एरन के पापा बार बार दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। एरन के फादर गिरीशा अंदर जाने लगते हैं और अंदर देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां मिकासा की मम्मी और उसके फादर की लाश पड़ी होती है। ये देखकर एरन हक्का बक्का रह जाता है। एरन के फादर उसे कहते हैं, मैं मिलिट्री ब्रिगेड वालों को बुला कर लेकर आता हूँ, तुम पहाड़ के नीचे मेरा इंतजार करो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मिकासा को अपने घर में बांध रखे होते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं, क्या इस लड़की की कोई कीमत मिलेगी हमें, क्या लगता है तुम्हें? फिर दूसरा बंदा उस पर भड़कते हुए कहता है, तेरे को इसकी मॉम को किसने मारने को कहा था बे, असली माल तो वो थी। ये सुनकर मिकासा भी थोड़ी देर पहले हुए हादसे को याद करने लगती है जहां उसके फादर वो दरवाजा खोलते हैं ये सोचकर कि बाहर डॉक्टर जेगर होंगे। लेकिन बाहर कुछ अनजान 3 लोग होते हैं जो कि सबसे पहले उसके फादर को मारते हैं। ये देखकर उसकी मम्मी टेबल पर पड़ा एक सीजर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उन्हें रोकते हुए मिकासा से कहती है, मिकासा यहां से भाग जाओ जल्दी। और वो
वो आदमी एक कुल्हाड़ी से उसकी मम्मी को भी मार देता है। और उस बंदे का साथी पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, अरे पागल, ये क्या कर दिया तूने? सिर्फ बाप को मारना था, इसकी मॉम को थोड़ी। तो मैं क्या करता, ये मुझे मारने वाली थी अभी। वो दूसरा बंदा कहता है, चलो बहाने मत बनाओ, इस दूसरे लड़के को पकड़ लो जल्दी। मिकासा ये सब याद करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में आती है और तभी एरन वहां पर आ जाता है और एक आदमी एरन के पास जाकर उसे कहता है, ओ बच्चे यहां क्या कर रहे हो तुम? एरन कहता है, माफ करना, मैं जगह भटक गया था और मुझे बस ये एक घर दिखा तो मैं यहां आ गया। ये देखकर वो दोनों के दोनों कुछ इशारा करते हैं एक दूसरे को, जिसके बाद वो बंदा बहुत ही प्यार से एरन से कहता है, तुम्हें ऐसे जंगल में नहीं भटकना चाहिए बेटे, बाहर बहुत सारे भेड़िए हैं, अगर हमारे साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे बेटा। और तभी एरन उस बंदे के पेट में चाकू घोंप देता है जिससे वो आदमी मर जाता है, जिसके बाद वो दूसरा बंदा कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलता है पर एरन उस बंदे को भी मार देता है और लगातार उस पर वार करता रहता है। एरन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और एरन को ऐसा करता हुआ देखकर मिकासा हैरान रह जाती है और वो उसकी रस्सी काटते हुए मिकासा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और तभी वो तीसरा बंदा वहां पर आ जाता है और एरन का गला दबाते हुए उसे कहता है, ये सब तुमने किया ना लड़के, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन एरन मिकासा से कहता है, लड़ो मिकासा, खुद की जान बचाने के लिए लड़ो, अगर हार गई तो मारी जाओगी। एरन की ये बात सुनकर मिकासा अपने हाथ में वो चाकू उठा तो लेती है पर वो कांप रही होती है, उस छोटी सी लड़की की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो किसी को मार सके। पर मिकासा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उस बंदे को मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद मिलिट्री ब्रिगेड पुलिस वहां पर आती है और वो भी उन सभी लोगों को इतनी बुरी तरह से मरा हुआ देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सच में उन दो बच्चों ने किया है। इस तरफ हम देखते हैं कि एरन के पापा एरन को बहुत ज्यादा डांटते हैं, मैंने तुम्हें पहाड़ के नीचे रहने को कहा था ना एरन, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। पर एरन अपने पापा से कहता है, अगर हम मिलिट्री ब्रिगेड के आने का वहां पर इंतजार करते तो वो मिकासा को लेकर भाग जाते, मैं बस मिकासा को बचाना चाहता था। फिर मिकासा कहती है, डॉक्टर जेकर, मैं अब कहां जाऊंगी, अब मेरा कहीं भी घर नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। तभी एरन मिकासा के पास आता है और एरन के पापा मिकासा से कहते हैं, मिकासा बेटी, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? और एरन उसका हाथ पकड़ कर कहता है, चलो भी, घर नहीं जाना तुम्हें। जिससे मिकासा इमोशनल हो जाती है और ये थी मिकासा की कहानी। प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी सिटीजंस उस गेट से होते हुए अंदर चले जाते हैं और वो उस गेट को बंद करने लगते हैं और मिकासा का कैप्टन उसे कहता है, हमारा काम खत्म हुआ, चलो अब हमें यहां से चलना चाहिए। पर मिकासा कहती है, नहीं, और वो शहर के दूसरे कोने की तरफ जाने लगती है बाकी के सोल्जर्स की मदद करने और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं इसके अगले पार्ट बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में।